आज मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि डाइटिंग के बगैर आप कैसे सारी लाइफ के लिए अपना वजन कम कर सकते हैं और फिर इसे मेंटेन भी रख सकते हैं। यूं तो आपको इंटरनेट पर और डाइट प्लानिंग बुक्स में बहुत से डाइट चार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक रिसर्च पेपर से ली गई है और ऑथेंटिक है। डाइटिंग करने का प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स, क्या आप फील करते हैं कि आप डाइट पर हैं और ये चीज़ें मायूसी पैदा करती हैं कि घर में बाकी सारे अफराद तो मज़े से सब खा रहे हैं और आप सिर्फ सलाद और कुछ उबली हुई चीज़ों पर गुजारा कर रहे हैं। अपने आप को बेचारा महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ मुख्तसर है, एक बार मिली है और आपको अच्छा लगने का पूरा हक है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो बहुत सी कम्प्लेक्स चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपको चंद सारा चीज़ें अडॉप्ट करना होगी, जिससे आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर आपको अपने वजन में वाज़े फर्क नज़र आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हेल्दी ईटिंग पैटर्न है क्या। आपने खाने से 10 मिनट पहले एक गिलास पानी पीना है। एक तो पानी आपके स्टमक को फिल करता है और दूसरा मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही एक घंटे के अंदर कर लें, वरना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खाने के लिए छोटी प्लेट इस्तेमाल करें ताकि कम खाना डाला जाए। खाने के साथ सलाद की प्लेट ज़रूर बनाएं और सालन डालने के साथ ही अपनी प्लेट का हाफ पोर्शन सलाद यानी सब्जियों से भर लें। सब्जियों में फाइबर होता है जिससे आपकी भूख जल्दी ख़त्म होती है और ये वाइटामिन से भी भरपूर होती है। चावल दो प्लेट की बजाय एक प्लेट खा लें, क्योंकि हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। खाना आहिस्ता आहिस्ता च्यू करके खाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से ज़्यादा भी खाया जाता है और अच्छे से हजम भी नहीं होता। शुगरी ड्रिंक और सोडा वगैरह से परहेज करें, लेकिन अगर बहुत ही दिल चाह रहा है तो चंद एक सिप ले लें और ये फिक्र छोड़ दें कि बाकी ड्रिंक वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी अपनी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। दिन में 2 कप ग्रीन टी के ज़रूर लें, ख़ास तौर पर खाने के बाद जब भी आपका दिल चाहे। ये खाने को जल्दी हजम करने में मदद देती है। कुछ चीज़ें जैसे मिठाई, तली हुई चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड वगैरह को अवॉइड करें, लेकिन अगर घर में ये चीज़ें मौजूद हैं और आपका खाने का दिल चाह रहा है तो आप सिर्फ टेस्ट के लिए छोटा सा पोर्शन लें। मंचिंग या हर वक्त खाना, यानी कार में कहीं जाते हुए खा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे खा रहे हैं या किचन में कुकिंग के दौरान खाते जा रहे हैं, तो इस आदत को कम करें। और अगर नहीं छोड़ पा रहे तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पर इक्तफा करें। सोने से कम आज कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें। 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें, वरना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, बेशक 15 मिनट के लिए करें। उम्मीद है आप अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए इन आदात को अपनाएंगे। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।